सवाल के समर्थन में है, उठ जाइए अपनी कुर्सी पर। लोग उठ के बताइए, बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? आप बिल्किस बानो की इसका उत्तर नहीं देना, बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे? एक मिनट चुप हो जाइए अंजना जी, नहीं डांटिए मत सर, नहीं डांटिए मत सर, आप खड़ा डांट रहे हैं, चुप हो जाइए, क्या होता है? उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल इरम। संघ जिस प्रकार से अपनी चाल चरित्र और चेहरे को बदलने की कोशिश कर रहा है, उसमें बीजेपी के जनाधार को कितनी संजीवनी मिलती है इसका पता तो भविष्य में चलेगा। लेकिन मुसलमानों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की जो कवायद संघ और संघ के प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं, उसने बीजेपी को अजीब सी कश्मकश में डाल दिया है। एक तरफ बहुसंख्यकों को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश पर संघ कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के करीबी दिखने के चक्कर में संघ ने उन सवालों को वापस से जन्म दे दिया है जिससे बीजेपी हमेशा बचती रही है। अब देखिए कि मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात ने बीजेपी के सामने जो प्रश्न पत्र पर सवाल रखा है उसका नाम है बिल्किस बानो। जी वही 2002 दंगों की पीड़िता जिसकी असमत लूटने वालों को बीजेपी शासित सरकार के नुमाइंदों ने ना केवल माफी दी बल्कि बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को भी ऐसा दिखाया जैसे उसकी माफी किसी सभ्य समाज में हो सकती है। अब जब बीजेपी और उसकी सुप्रीम संगठन यानी संघ ने मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ा दिया है, तो अब सत्ता परस्ती ने पागल हुई गोदी मीडिया जिसने मुसलमानों को अपना व्यक्तिगत दुश्मन सत्ता को खुश करने के लिए मान लिया था, उसके भी तेवर अब बीजेपी के प्रति तीखे हो चुके हैं। संघ की मुसलमानों को अपने पाले में करने की कोशिशें जैसे ही शुरू हुई, सामने से गोदी मीडिया में बिल्किस बानो को न्याय दिलाने की मांग भी बढ़ गई है। बिल्किस बानो बीजेपी के सामने वो गंभीर सवाल बन गई हैं जिस पर बोलना बीजेपी को दोनों तरफ से भारी पड़ने वाला है। जो मुसलमान विरोधी वैचारिक स्तर पर बन चुके हैं वो बिल्किस की तरफदारी करने पर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, तो वहीं उन लोगों का विश्वास भी बिल्किस को इंसाफ दिए बिना नहीं कमाया जा सकता जिनसे साठ गांठ करने की कोशिश में संघ आजकल लगा हुआ है। अब देखिए इसी पशुपेश की स्थिति में गोदी कैसे बीजेपी को बेचैन किए हुए है। जब बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया आज तक के शो में पहुंचे तो अंजना ने भी भाईचारे का घूंट पिला रहे संघ और भाजपा के सामने वही सवाल रखा कि आखिर मुसलमानों के करीबी बनने की कोशिशें भला बीजेपी की कामयाब बिल्किस के बिना कैसे हो सकती है, और क्या इन मुलाकातों के मायने सचमुच वही है जो संघ दिखाना चाहता है, या ये मिलना जुलना कहीं बस उस राजनीतिक छवि को तोड़ने की कोशिश तो नहीं जो मुसलमान विरोधी की उनकी अब तक बनी हुई है। देखिए बिल्किस के सवाल पर तिलमिलाए बीजेपी प्रवक्ता की आज तक की एंकर अंजना उमकश्यप से तू तड़ाक। मेरे सवाल के समर्थन में है, उठ जाइए अपनी कुर्सी पर। लोग उठ के बताइए, बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल में वापस जाएंगे? आप बिल्किस बानो की इसका उत्तर नहीं देना, बलात्कारी कब जेल वापस जाएंगे? एक मिनट चुप हो जाइए अंजना जी, नहीं डांटिए मत सर, आप खड़ा डांट रहे हैं, चुप हो जाइए, क्या होता है? एक ओर जहां संघ के प्रमुख खुलकर देश की राजधानी में मस्जिदों के चक्कर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इन चक्करों में फंसी हुई है कि आखिर इन मुलाकातों पर आखिर बोला क्या जाए। हालांकि बीजेपी फिलहाल के लिए इन बातों के बीच एक बात तो तय कर चुकी है कि बिल्किस पर चुप्पी अभी कायम रहेगी, भले इसे बरकरार रखने के लिए गोदी को ही डांट डपटना क्यों ना पड़ जाए। लेकिन ये बात तो आने वाले समय में तय है कि गोदी भी गिरगिट की चाल चलते हुए बीजेपी और संघ की इस पलटी पर अपना रंग बदलती हुई जरूर नजर आएगी। अंजना के सवाल तो महज झांकी हैं, और अगर आने वाले समय में भागवत और भी मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात करते हैं तो अभी गोदी भी खुद को अकेले मुसलमान विरोधी दिखने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। तो संघ द्वारा मुस्लिम धर्मगुरुओं से जारी मुलाकात और इस पूरे घटनाक्रम पर और अंजना का बिल्किस को लेकर सवाल, दोनों पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए, और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। शुक्रिया।